नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं जीके सैनी, आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 3 फरवरी का जो एग्ज़ाम है, सीधे एग्जाम सेंटर से चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप में पूछे गए प्रश्न हैं मेरे दोस्तों द्वारा बताया गया है, उनकी हम चर्चा करेंगे, क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या कितने क्वेश्चंस किए हैं। रीजनिंग में जल दर्पण से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चंस। आकृति में पूछे गए, आयत से संबंधित जो गणना होती है उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, औसत के प्रश्न पूछे गए, प्रतिशत और संख्या पद्धति के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, और पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक से 5 से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों बात करते हैं इतिहास से संबंधित प्रश्न, दोस्तों इतिहास से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, और एक प्रश्न राजनीति जो राजधानी होती है, राजधानी क्षेत्र पूछी गई है। ये भारत की राजधानी नहीं पूछी गई थी, किसी देश की राजधानी पूछी गई थी दोस्तों। नीचे मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा की राजधानी पूछी गई थी, और एक दिवस के बारे में पूछा गया था जो ऑस्ट्रेलिया दिवस है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, जब तक भारत भी 26 जनवरी को मनाया जाता है, जहां पर भारत को संविधान लागू किया गया था, तो ये पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया दिवस, उसमें 26 जनवरी ऑप्शन था, तो इसमें जो सही आंसर किया जाए 26 जनवरी। वही दोस्तों बात करते हैं जो राज्यसभा सीटों के बारे में पूछा गया था 245, लेकिन अधिकतम संख्या 250 है, लेकिन जो ऑप्शन के अंदर 245, तो आपकी वर्तमान संख्या कितनी होगी 245। अनुसूची के बारे में पूछा गया, अनुसूची 8 के बारे में दोस्तों, अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये नागरिकता के बारे में, भाग के बारे में पूछा गया, यानी पॉलिटिकल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक झंडा समिति से रिलेटिव क्वेश्चन था, और एक दोस्तों महाद्वीप के बारे में, कल भी जो सेकंड शिफ्ट के अंदर महाद्वीप के बारे में प्रश्न पूछा गया था, और आज भी महाद्वीप के बारे में प्रश्न पूछा गया है। एक चिल्का झील के बारे में पूछा गया है, जो वर्तमान में चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। लैंगोर झील है, यहाँ पर नौकायन का जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तैराक होता है उनको प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है, तो ये चिल्का झील का है उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वही दोस्तों खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए, खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि खिलाड़ियों की संख्या के बारे में प्रश्न पूछे गए थे, फुटबॉल के बारे में पूछा गया था। गंगा नदी के बारे में पूछा गया था कि गंगा की निम्न में से सहायक नदी कौन सी नहीं, तो ये सवाल पूछा गया था। सांभर झील के बारे में पूछा गया था, जो नमक उत्पादन के लिए भी पूछा गया था कि नमक उत्पादन में सांभर झील, उसके ये सांभर झील में आपको राजस्थान जो जयपुर के अंदर है, और यहाँ पर रक्त संबंधित प्रश्न 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। घड़ी से प्रश्न पूछे गए, और कैलेंडर का जो कल जो शिफ्ट है उनमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन आज के शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। और ये सवाल पूछा गया था कि पहला मोबाइल बैंक कहाँ खोला गया था, तो यहाँ से जो क्वेश्चन मेरे पास में जो हमारे दोस्तों द्वारा बताए गए हैं उनकी हमने चर्चा की है दोस्तों। सेकेंड शिफ्ट का पेपर जैसे ही हमारे पास आएंगे हम उनकी चर्चा करेंगे सीधे एग्जाम सेंटर से विद्यार्थियों से पूछकर। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। नए वीडियो में फिर मिलते हैं, वीडियो अच्छा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों।